हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबाधा एक्चुअल में क्या होती है किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए। तो अगर हम एलसीआर सर्किट की बात करें तो उसमें प्रतिबाधा क्या होती है, तो इसको हमें आज मैथमेटिकली डिराइव करना है, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है प्रतिबाधा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन, जिसमें हम प्रतिबाधा पढ़ने वाले हैं एलसीआर सर्किट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एलसीआर सर्किट एक्चुअल में क्या होता है, किस तरह से एलसीआर सर्किट बनता है कोई भी। तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बेसिकली किसी भी एसी सर्किट को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, कुछ इस टाइप से हम एसी सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये जो हमें दिख रहा है, ये इससे हम समझ जाते हैं कि हाँ ये एसी सर्किट है। कुछ इस टाइप का साइन हमें दिखता है एसी सर्किट के लिए। और बेसिकली हम डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई एक डीसी सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है और ये इसमें कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस तरह से अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो इस तरह से हम, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हम डीसी सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एसी सर्किट दिया हुआ है। बेसिकली अभी हमें एसी सर्किट के बारे में बात करनी है, तो एसी सर्किट पे ही बात करेंगे हम। तो एसी सर्किट में बेसिकली एलसीआर सर्किट दिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे एल सी और आर, इन तीनों को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है किसी एसी सर्किट से। और बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो एल है यानी कि प्रेरकत्व है, उसके जो टर्मिनल्स हैं उन दोनों के बीच में विभवांतर VL दिया हुआ है, और जो संधारित्र C है इसके टर्मिनल्स के बीच में विभवांतर VC है, और R जो है इसके टर्मिनल्स के बीच में जो विभवांतर है वो VR दिया हुआ है। और बेसिकली V = V0 sin ωt, ये इक्वेशन होती है हमारी उसके लिए, वोल्टेज के लिए किसी भी एसी सर्किट में। तो कुछ इस टाइप से ये हमारा एलसीआर सर्किट है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी एसी सर्किट की बात करते हैं, और बेसिकली एसी सर्किट में एलसीआर, इन तीनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं एलसीआर सर्किट, जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। तो एलसीआर सर्किट में आज हमें पढ़ना है प्रतिबाधा एक्चुअल में क्या होती है, एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा के बारे में हमें डिस्कशन करना है, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा क्या होती है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट दिया गया है, जिसमें जो प्रतिरोध, इसका एक्चुअल में कोई एलसीआर सर्किट दिया हुआ है हमें, जिसमें एल सी व आर, इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, और सीरीज में जुड़े होने के कारण संधारित्र, ये जो संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों की जो बाहरी परिपथ में किसी क्षण अगर करंट कोई भी फ्लो हो रहा है किसी टाइम पे, तो वो बेसिकली समान होगा धारा का मान। और मान लेते हैं यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो आई है, और आर के सिरों के बीच जो रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये इस आर के सिरों के बीच में विभवांतर भी आर है, और धारा आई, जो हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं पहले भी, जो रेजिस्टेंस आर होता है, ये देखिए जो रेजिस्टेंस आर होता है उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है वी आर, और करंट, इन दोनों की अगर हम बात करें, वी आर और आई की अगर हम बात करें, तो ये दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, विभवांतर वी और आर ये दोनों समान कला में होते हैं यहाँ पे। और अब अगर आगे हम बात करें, मैं एक मिनट इसको व्हाइट बोर्ड विजिबल कर दूं आप लोगों को। तो ये देखिए, विभवांतर वी और जो R होता है वो एक दूसरे से समान कला में होते हैं, विभवांतर वी आर और करंट I, विभवांतर वी आर की बात करें अगर हम, और करंट I,
VR और I ये दोनों समान कला में होते हैं रेजिस्टेंस R के लिए। और अब ऐसे ही अगर हम आगे बात करें आगे अगर हम संधारित्र की बात करें तो इसके संधारित्र की सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है VC और करंट होता है I, तो जो विभवांतर VC है वो करंट I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ पश्चगामी को, ये 90 डिग्री पश्चगामी होता है VC I से। और ऐसे ही अगर हम L के सिरों के बीच विभवांतर की बात कर लें, कोई इस टाइप से जो L कुंडली जुड़ी होती है, इस तरह से हम प्रेरकत्व तो L को रिप्रेजेंट करते हैं, तो L के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है VL वो करंट I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसको मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 90 डिग्री अग्रगामी होता है VL करंट I से। तो बेसिकली अभी हमें बात करना है प्रतिबाधा के बारे में, प्रतिबाधा क्या होती है फॉर एसी इसमें एलसीआर सर्किट में प्रतिबाधा क्या होती है। तो कुछ इस टाइप से मैं आपको फिर से वो फिगर दिखा दूं, एक मिनट रुकिएगा, तो मैं फिर से आप लोगों को वो फिगर विजिबल करा दूं। ये देखिए यहाँ पे जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ये बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसमें जो यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है कि VL तथा VC जो है, ये VL और VC इन दोनों का परिणामी विभवांतर, ये देखिए VC नीचे की डायरेक्शन और ये VL इस वाली डायरेक्शन, इन दोनों का अगर हम परिणामी विभवांतर निकालें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल की अगर हम बात करें, परिणामी विभवांतर की बात करें हम, तो VL माइनस VC होगा इन दोनों के बीच में परिणामी विभवांतर। और ऐसे ही अगर हम VL माइनस VC होगा और LCR परिपथ में, ये तो इन दोनों की VL और VC की बात हो गई कि VL और VC, यहाँ पे VL क्या है प्रेरकत्व का विभवांतर, प्रेरकत्व की सिरों के बीच का विभवांतर, और VC धारिता यानी कि संधारित्र की सिरों के बीच का विभवांतर, और LCR परिपथ इन दोनों के बीच का विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर VL माइनस VC होगा। लेकिन LCR परिपथ में इन तीनों के विभवांतर का परिणामी विभवांतर अगर हम भी माने, इसको हम रिप्रेजेंट करें अगर V से, तो इन दोनों इन तीनों का परिणामी विभवांतर होता है V का स्क्वायर। ये देखिए इन दोनों का परिणामी विभवांतर कुछ ये होगा, ये यहाँ पे इन तीनों का परिणामी विभवांतर है, और VL माइनस VC इन दोनों का परिणामी विभवांतर, और VR यहाँ है। तो इसको भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि इन तीनों का विभवांतर अगर हम यहाँ VL माइनस VC का परिणामी विभवांतर ये रहा और ये VR दिया हुआ है और ये एंगल अगर थीटा है, और इन तीनों का अगर हम परिणामी विभवांतर निकालें जो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो ये होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये होता है इन दोनों के बीच में, इन तीनों का एक्चुअल में जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, परिणामी विभव अंतर इन तीनों का, ये निकल के आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो इसका इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम लेंगे, तो डेरिवेशन आप देखते हैं आगे हम किस तरह से इसको डिराइव करेंगे प्रतिबाधा के लिए। अगर हम प्रतिबाधा की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से, मैं आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल करा दूं। ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं कि जो परिणामी विभवांतर होता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है वी आर का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर यहाँ पे आर सफेक्स में है, प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये देखिए वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये इसको हम काफी बार पढ़ चुके हैं, और ये भी हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि वी आर इज इक्वल्स टू होता है
ये देखिए यहाँ पे भी आर इक्वल टू होता है आई आर। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, भी आर इज इक्वल टू होता है आई आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। भी आर इज इक्वल टू होता है आई आर और भी एल इक्वल टू होता है भी एल इक्वल टू आई इंटू एक्स और सफेक्स में एल। तो भी एल इक्वल टू होता है आई एक्स एल। और अगर हम बी सी की बात करें तो बी सी इक्वल टू होता है बी सी इक्वल टू आई एक्स सी। ये होता है बी सी की वैल्यू। तो भी आर इज इक्वल टू आई आर, भी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल एंड बी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे भी आर की जगह पे आई आर पुट करेंगे, भी एल की जगह पर आई एक्स एल पुट करेंगे और भी सी की जगह पर आई एक्स सी पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये भी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आर की जगह पे हमने आई आर पुट किया तो आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो ये रहा आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाता है यहाँ पे। भी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, अगर हम आई को कॉमन आउट कर लें यहाँ से, देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू यहां से हो जाएगा ये आई स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस यहां से देखिए अगर हम आई को कॉमन आउट कर लें, यहां देखिए आई को अगर हम यहां से कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाता है एक्स एल। आई को अगर हम कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाता है यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी और इस पूरे का होल स्क्वायर, कुछ इतना हो जाता है। तो यहां से देखिए भी स्क्वायर इक्वल टू निकल के आता है, यहां से भी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, देखिए आई स्क्वायर यहां से कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस, ये देखिए आई स्क्वायर यहाँ पे हो जाए, यहां से कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, कुछ इतना निकल के आ जाएगा यहाँ से। भी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर को यहाँ से हमने कॉमन आउट कर लिया। देखिए इस आई स्क्वायर को हम यहाँ से भी स्क्वायर के अपॉन में लेके जाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से भी स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर अपॉन, ये देखिए यहां से निकल के आएगा भी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल्स टू भी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये इतना निकल के आ जाता है भी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। अच्छा भी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं भी अपॉन आई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है भी अपॉन आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, भी अपॉन आई का होल स्क्वायर यहां से स्क्वायर को हटाएंगे और यहां पे अंडर रूट आ जाएगा, यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो भी अपॉन आई इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये देखिए यहां से हम इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट
तो ये लगाया हमने यहाँ पे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और बेसिकली भी अपॉन आई। यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको कुछ नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू में ये देखिए भी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे यहाँ आगे से भी अपॉन आई, देखिए भी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, बेसिकली ये ओम्स लॉ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो भी अपॉन आई इक्वल टू हो जाता है आर, यानी कि जहां पे भी अपॉन आई होगा वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस ही होगा, तो उस टाइम पे भी अपॉन आई इज इक्वल टू जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है पीछे, भी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये बेसिकली किसी टाइम पर जो प्रभावी एक्चुअल में प्रभावी प्रतिरोध ही होता है, और यहाँ पे हम एल सी आर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस ना होकर साथ में संधारित्र भी है और प्रेरकत्व भी है प्रतिरोध के साथ में, तो इस पूरे प्रभावी प्रतिरोध को हम प्रभावी प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट ना करके यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको प्रतिबाधा बोलते हैं इस परिपथ की। तो भी अपॉन आई की जगह हम जेड पुट कर सकते हैं, तो भी अपॉन आई की जगह जेड पुट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू में हमने भी अपॉन आई की जगह पुट किया जेड, तो जेड और ये जेड यहाँ पे प्रतिबाधा होती है, तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाती है प्रतिबाधा किसी भी LCR सर्किट के लिए, और इसको हम अगर थोड़ा सा और लिखना चाहें तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, Z is equal to under root of R square plus XL minus XC को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon omega C, ये हम पढ़ चुके हैं ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाती है हमारी प्रतिबाधा। जेड इज इक्वल टू एल सी आर सर्किट के लिए हम प्रतिबाधा की बात करते हैं, तो प्रतिबाधा निकल के आ जाती है एल सी आर सर्किट के लिए ये, तो बेसिकली ये जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये होती है किसी भी एल सी आर सर्किट के लिए प्रतिबाधा। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा ठीक से, एल सी आर सर्किट के लिए प्रतिबाधा को किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए डेरिवेशन के साथ या नए टॉपिक के साथ, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।